नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। अभी जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया अपडेट निकल के आया हुआ है, जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बिहार सरकार ने रिसेंटली यहाँ पर एक बिहान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो उसके माध्यम से कृषि से रिलेटेड जो है सारे काम किए जाएंगे। इसमें कौन कौन से काम किए जाएंगे, आखिर ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है किसके लिए बनाया गया है, किसानों को क्या बेनिफिट हो सकता है, संपूर्ण जानकारी जो इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि मोबाइल एप्लीकेशन जो है बहुत पहले इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी जो है इसमें विस्तार किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल एप्लीकेशन जो है यहीं पर लॉन्च किया गया, मतलब रिसेंटली लॉन्च किया गया है, लेकिन इसमें विस्तार किया गया है। तो इसका मतलब ये समझिए कि कुछ ना कुछ जो है इसमें अपडेट किया गया है। तो आखिर वो क्या अपडेट किया गया है, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रभात खबर के पेपर के माध्यम से बताया गया है, जिसके रिगार्डिंग आपको हम जानकारी दे रहे हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि आखिर ये बिहान मोबाइल एप्लीकेशन क्या है और इससे जो है क्या आपको फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये बिहान मोबाइल एप्लीकेशन है क्या। बिहान मोबाइल एप्लीकेशन कृषि से रिलेटेड है, यानी कि कृषि से जो भी काम होते हैं वो सारे काम यहाँ पर किए जाएंगे। साथ ही साथ आप खेती बाड़ी करते हैं तो फसल के रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पर जानकारी दिया जाएगा। कृषि विभाग में जो है तीन निदेशालय होता है, जैसे कि आप सभी को पता ही होता है, उद्यान होता है, भूमि सुरक्षा होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे कृषि विभाग होता है। तो तीनों निदेशालय के जो अंतर्गत जो भी काम आते हैं वो सारे काम जो है इस मोबाइल एप्लीकेशन से किए जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको हम बता दें कि जो है मतलब इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ईजिली जो है आपको ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों विस्तार क्या किया गया है उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। जब भी ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था उसमें जो है केवल मतलब अभी कुछ ज़्यादा नहीं जोड़ा गया था, मतलब छोटा मोटा जो है काम हो रहा था, लेकिन अभी जो है इसको और भी पावरफुल बना दिया गया है, यानी कि और ज़्यादा लचीला बना दिया गया है। अब इसमें तीनों निदेशालय को जोड़ दिया है, इसका मतलब ये है कि कृषि से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सारे काम जो है यहीं से मतलब किया जाएगा। साथ ही साथ आपके हम जानकारी के लिए बता दें कि एक बात आपको पता होना चाहिए कि बिहान जो मोबाइल एप्लीकेशन है फिलहाल किसान के मतलब काम का नहीं है, क्योंकि किसान यहाँ पे खुद से रजिस्ट्रेशन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसान से रिलेटेड जो भी पदाधिकारी होते हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका जो जो मतलब पंचायत कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो कृषि कोऑर्डिनेटर होते हैं, या फिर मान लीजिए जो कृषि सलाहकार होते हैं, कृषि पदाधिकारी होते हैं, वो जो है इस मोबाइल एप्लीकेशन से बहुत ही बढ़िया काम कर सकते हैं, मतलब इससे जो है सारे चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों अभी जो मतलब कृषि मंत्री हैं उन्होंने साफ साफ किया है कि जो भी मतलब अधिकारी हैं उनके लिए जो है बहुत ही बढ़िया जो बिहान मोबाइल एप्लीकेशन है वो बहुत बढ़िया साबित हो सकता है, इससे जो है सारे काम किए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो किसान हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर किसान खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से, इसको डाउनलोड किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे अभी पब्लिक यानी कि किसान का रजिस्ट्रेशन करने का कोई भी बटन नहीं दिया गया है। फिलहाल यहाँ पे जो भी कृषि सलाहकार होते हैं, कृषि कोऑर्डिनेटर होते हैं, कृषि पदाधिकारी होते हैं, वो लोग जो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने दायरे में जो भी काम आता है वो सारे काम को यहाँ पर कर सकते हैं। मंत्री साहब ने यह भी कहा है कि फिलहाल इसको मतलब जो भी पदाधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए जारी किया गया है, लेकिन जल्द ही ये जो है किसानों के लिए भी जारी कर दिया जाएगा और ये जो है पूरे 38 ज़िले में काम करेगा, यानी कि बिहार में जो भी 38 ज़िले हैं उस सारे ज़िले में काम किया जाएगा, मतलब इस मोबाइल एप्लीकेशन से काम किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर बता दें कि कृषि से रिलेटेड जो भी काम होता है, जैसे कि मान लीजिए कब वर्षा होगा कि नहीं होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे मतलब वर्षोपात होता है, उसके हिसाब से भी जानकारी यहाँ पे मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कृषि से संबंधित जो भी चीज़ होता है, खेती बाड़ी से संबंधित जो भी चीज़ होता है, वो सारे चीज़ जो है आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया है, अगर किसानों के लिए भी कर दिया जाता है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, किसान भी अपना खुद का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके इस मोबाइल एप्लीकेशन को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको और भी लचीला बनाया गया है, हालांकि आपको हम बता दें कि जल्द ही किसानों के लिए भी अवेलेबल कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर किसान के लिए अवेलेबल नहीं किया गया है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि आखिर बिहान मोबाइल एप्लीकेशन क्या है। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है तो यहाँ पे एक आर्टिकल दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, जो कि प्रभात खबर के माध्यम से बताया गया है। और आपके मन में किसी भी तरह के डाउट होगा इस मोबाइल एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई करने की हम पूरी कोशिश करेंगे।
वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपसे हम कहना चाहेंगे कि नेक्स्ट जो मतलब वीडियो है वो कौन सा टॉपिक को आप देखना चाहते हैं, आपका टॉपिक क्या है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।